हेलो हेलो छे सुसेन मार्डी भी हम जहां रगेम तहन कमिटी रेम सेटर करना अगला मैच के लिए बीएसएसपी जमशेदपुर बनाम युवा क्लब कोणी से ले आप लोग रेडी में रहिएगा। नेक्स्ट गेम के लिए बीएसएसपी जमशेदपुर बनाम युवा क्लब पुणे से ले आप रेडी में रहिएगा। तीसरा मैच के लिए हरिहरपुर एफसी बनाम साहिल स्पोर्टिंग आप लोग भी रेडी में रहिएगा। चौथा मैच ड्रीम इलेवन एफसी बनाम ग्राम पंचायत भादुड़ी आप लोग भी तैयारी में रहेंगे। आज के इस प्रतियोगिता में जितने दल आप लोग नॉमिनेट हुए हैं भाग लिए हैं उन तमाम दलों के कप्तान से निवेदन रहेगा आप लोग कमेटी से संपर्क कर लेंगे। इस तरह से जो भी पहला गोलदाता बनेंगे उनको हमारे कमेटी के सदस्य सुकू हंसदा एवं विक्रम हंसदा के द्वारा 300 रुपये दी जाएगी पहला गोलदाता खिलाड़ी को। साथ ही साथ हर मैच में मैन ऑफ द मैच कमेटी की ओर से दी जाएगी, इसलिए आप लोग अच्छा खेलें, बेहतर खेलें एवं दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनने की कोशिश करें। एक बेहतरीन मुकाबला मैदान में एसी ब्लैक टेल्को जमशेदपुर बनाम बीटी रांची के बीच में। बिल्कुल संतोष दा, जहां एक और स्टील सिटी जमशेदपुर की टीम नजर आ रही है, एसी ब्लैक टेल्को जमशेदपुर वही दूसरी ओर झारखंड राज्य के राजधानी से रांची की टीम बीटी रांची की नजर आते हुए। संतोष दा, ये बहुत ही भाग्य की बात है, दोनों ही बड़ी शहर से दोनों टीम बिलोंग कर रही है और बढ़िया मैच खेलने के लिए दोनों ही टीम जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, इस बीच एक बड़ा मौका जरूर है, ऑन टारगेट पर गेंद को रखने की कोशिश हुई थी, थोड़ी सी गेंद क्रॉस बार के ऊपर होते हुए सीमा रेखा से बाहर, कोई फायदा नहीं। हालांकि कोशिश अच्छी थी, कोशिश ही कामयाबी की ओर आपको लेकर जाएगी, इसी तरह का बार बार आप प्रयास करते रहें। बिल्कुल संतोष दा, वही प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच के तौर पर एसी ब्लैक टेल्को जमशेदपुर की ओर से टी शर्ट दिए जाएंगे, वही लोबा स्पोर्टिंग के लोबा द्वारा भी मैन ऑफ द मैच के तौर पर पुरस्कृत किए जाएंगे खिलाड़ियों को फर्स्ट राउंड से ही। वही सभी टीमों के लिए नाश्ता का प्रबंध किया गया है, जो कमेटी सदस्य सुसन मार्डी भी और मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। वही प्रत्येक टीम को दो दो पानी का पेटी दिया जा रहा है और ये डोनेट कर रहे हैं मुर्मू स्पोर्टिंग डीबीएम में के मैनेजर मिस्टर सावनक मुर्मू जी के द्वारा ये दिए जाएंगे प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों को पीने का पानी दो दो पेटी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ सुकू हंसदा एवं विक्रम हंसदा के द्वारा जो भी पहला गोलदाता बनेंगे उनको 300 रुपये दी जाएगी। आप लोग अच्छा करें, बेहतर करें, अच्छा खेलने की कोशिश करें और इस क्रम में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला मैदान में होता हुआ दोनों ही धाकड़ टीम के बीच। एक लग गया
टीम अप करके खेल रहा है। इस बीच कमाल का मौका, बेहतरीन मौका मिला था गौरव मुखी को। गौरव मुखी की बात की जाए अभी तक के मुकाबले में तीन तीन बेहतरीन मौका जरूर मिला था उन्हें, परंतु अभी तक उस मौके को बुनाने में सफल नहीं हुए हैं। वही अभी तक के खेल में दोनों ही टीम में निरंतर प्रयास तो कर रही है, परंतु पूरी तरह से दबाव नहीं बना पाई है। दोनों ही टीम को बेहतर रणनीति के साथ खेल खेलनी होगी। अगर इस मैच में गोल स्कोर यहां पर क्या देखने को मिलेगा, परंतु अच्छी गोल कीपिंग इस क्रम में अच्छी क्लियरेंस हो चुकी है डीटी रांची की ओर से। थोड़ी सी बैक पास हुई है यहां पर, बेताल को यहां पर गेंद सौंपा गया था, किक भी हुई उनके द्वारा, परंतु पूरी तरह से दिशा से भटके, कोई फायदा नहीं। गोल किक मिलेगा डीटी रांची की टीम को। बिल्कुल दोनों ही टीम में अपने ओपोनेंट पे खिलाड़ी को रोकने के क्रम में पूरी तरह से बढ़िया मैच दिखाने का प्रयास करते हुए, उससे पहले कुछ होता मैं धमतर हो चुकी है बनाम युवा क्लब पुणे से ले। और इस बीच आखिरकार जिसका बेसब्री से इंतजार था, बहुत ही अच्छा गेम प्लान बासेत के द्वारा, देखते ही देखते नेट जाल में उलझाने में कामयाब। और इस तरह से पहला गोलदाता को भी 300 रुपया मिलेगी, सुकू हंसदा और विक्रम हंसदा के द्वारा दी जाएगी। इस बीच समाप्ति की घोषणा और इसी के